नमस्कार। अपने लोग देख रहा छी अखन समदिया हेलो डॉट कॉम मात्र मीडिया ने अहाक भरोस और हम छी मैथिल प्रशांत। जेना कि हम सब निर्धारित समय छले 4 बजे एठमा एकटा मैथिल अप्रवासी मैथिल से हम सब बातचीत कर रखबा के लेल कहने छलहुँ, मुदा किछु तकनीकी खराबी के कारण जनते छी जे तकनीकी के अपन सीमा छै, अपन लिमिट छै, जे कारण हम सब लगभग 10-15 मिनट विलम्ब छी, मुदा देर आयल छी, दुरुस्त आयल छी। हमरा सबक सोझा छथि उत्तर प्रदेश में जे बास कऽ रहल छथि अप्रवासी मैथिल विवेक शर्मा जी। पहले हुनका से हम भेंट कराबै छी, तकर बाद हम सब्जेक्ट दिस चलब, पहले इंट्रो देब, तकर बाद हम बातचीत के आगा बढ़ायब। तऽ स्क्रीन पर हम चाहब जे विवेक शर्मा जी के सेहो देखाओल जाय। ई उत्तर प्रदेश में जे मिथिला युवा मोर्चा शायद एहने किछु नाम छै, ताहिके ई महासचिव छथि विवेक शर्मा जी। जी सभी मिथिला वासियों को विवेक मेरा जी, प्रणाम और सभी हाँ प्रवासी मैथिल भाइयों को मेरा प्रणाम। तब बता दीजिए, आई सौ 700 वर्ष पूर्व मैथिल के जो पलायन भले से वो दू चरण में भले। एक चरण आई सौ लगभग 700 वर्ष पूर्व जहां गियासुद्दीन तुगलक मिथिला पर आक्रमण करे छे, आक्रमण की बंगाल अभियान ओकर रहे छे लूट खसोट करवा के, और वो घुरती काल जहां अहाँ के आबे है तो मिथिला पर आक्रमण कर दे छे, जे कारण से मिथिला के जे तत्कालिक राजा रहे छे हुनकर हार भ जाए छे। आ वो गियासुद्दीन तुगलक जे छे से एकटा फरमान जारी करे छे, तालिबानी फरमान कह सकै छे, जे एहिठाम का जतेक नागरिक छे ओकरा इस्लाम धर्म के ग्रहण करय पड़तै, जेना कि कहल सुनल देखल गेलै। तो एहन परिस्थिति में एहिठाम का जे ब्राह्मण सब छथि से खास कर टारगेट ब्राह्मण पर रहै छै, तऽ एहिठाम का ब्राह्मण किछु जे छै से पलायन कऽ कऽ ब्रज क्षेत्र में चलि जाइ छथि। तकर बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश के स्थापना होइ छै, आ ओकर बाद तेसर पुस्ता ओकर जहन अकबर राजा बनै छै, तऽ एहिठाम का जे चूंकि मैथिल जे सब दिना से रहलै है से अपन बौद्धिक और ज्ञान परंपरा के लेल विश्व भर में विख्यात रहलै है, खास कर सनातनी समाज में। कारण अहाँ के बता दी जे 24 टा गोत्र होइ छै ब्राह्मण के पूरा ओवरऑल, जिनमें से 18 टा ऋषि के जे संतान छथिन से मात्र मिथिला में छथिन, 18 ऋषि के संतान मिथिला में, आ 6 ऋषि मात्र छथिन जिनकर संतान अन्य अन्य ठाम जन्म लेने छथिन। तो कहबाक अर्थ छै जे मिथिला सब दिन से बुद्धि के लेल जानल गेलै है। तो अकबर जे छै ओहि समय में सम्मान किछ मैथिल ब्राह्मण के अपना एहिठमा बजेलखिन, जे अतः से प्रवास कऽ कऽ ओहिठमा बसि गेल छथि। मोटा मोटी दू ढंग से मैथिल के पलायन, अतः से पलायन, एकटा के पलायन भेल छनि, एकटा विस्थापित भेल छथि अकबर के एहिठाम जे सम्मान देल गेलनि हुनका ताहि मादे लऽ कऽ। तो अखन जे छै से ई उत्तर प्रदेश के ब्रजस्थ क्षेत्र में ई सब छथि, हिनकर सबके एकटा नीक आबादी छनि। तो सबसे पहले विवेक जी, पश्चिमी उत्तर बहुत प्रदेश बहुत में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विवेक जी, अपने के जी बहुत जी बहुत जी स्वागत है समदिया डॉट कॉम पर। धन्यवाद धन्यवाद जी। देखिए विवेक जी, अहाँ सबका की स्थिति परिस्थिति छे, आप लोगों का क्या स्थिति परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अभी के राजनीतिक और स्थिति सामाजिक दोनों? परिस्थिति, हाँ मैं वही वही बताऊंगा। स्थिति परिस्थिति यह है कि मैं दोनों बातों को लेके चलूंगा। एक तो हम लोग में ना ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण बोले जाते हैं, जो जी कि गयासुद्दीन के टाइम के जिन्होंने पलायन किया था। जी दूसरे दूसरे प्रवासी मैथिल ब्राह्मण है जिन्होंने अकबर के समय पे उनको सम्मान लाया गया। जैसे हम लोग जी सुनते रहे हैं, अकबर के यहाँ पे नवरत्न रहते थे, नवरत्न जी जिनमें 5 या 6 लोग मैथिल ब्राह्मण हुआ करते थे। जैसे उनमें थे रघुनंदन झा, देवी मिश्र जी, पुरुषोत्तम झा, जीवनाथ झा, शिवराम झा इत्यादि। तो मैं प्रवासी मैथिल में से आता हूँ और हम लोगों की विडंबना ये है यहाँ पे कि ब्रजस्थ मैथिल प्रवासी मैथिल को नहीं मानता है और प्रवासी मैथिल ब्रजस्थ मैथिल को नहीं मानता है, जबकि हम लोगों के मिथिला से संबंध बराबर चलते हैं। मिथिला के कुछ समाज सेवी हैं, वो हमारे इधर भी आते हैं, वहां भी आते हैं। हम लोग अभी बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, दोनों मंचों को एक मंच पर लाया जाए। बात करते हैं एक शैक्षिक स्थिति की, तो शायद अभी स्थिति सुधरने लगी है जैसे जैसे लोगों को जानकारी बढ़ रही है पूर्वजों से, क्योंकि अब तक तो छिपे हुए लोग रहते थे। जैसे उनको पता चलता है नौजवानों को, मेरी एज वालों को, हाँ मैथिल मैथिल, तो वो अपने बारे में छानबीन करता है, पता करता है कहाँ से क्या है क्या नहीं है। बात राजनीतिक स्तर की हो तो अभी तक हमारा कोई राजनीतिक रहनुमा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके कारण
जो समाज की स्थिति है वो बहुत पिछड़ी हुई है। ना कोई शिक्षा पर ध्यान देता है, ना कोई सरकारी सहायता दिलवाता है, ना सरकार की जो योजनाएं मिलती हैं उनका फायदा मिल पाता है, क्योंकि यहाँ जातिगत राजनीति होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। विवेक जी, हम जे मूल मिथिला में हम सब जे रहनिहार छी, ओ अहाँ से ई जानय चाहे छी जे अहाँ सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोन कोन जिला में छी आ कतेक आबादी है अहाँ सबके, कम्बाइंड कऽ के कहबै, प्रवासी मैथिल आ ब्रजस्थ मैथिल दुनू मिलाकर। प्रवासी मैथिल और ब्रजस्थ मैथिल दोनों मिलाकर लगभग लगभग मेरे हिसाब से यहाँ 32 जिलों में आबादी रहती है ब्रजस्थ और प्रवासियों की, लगभग 50 लाख से ऊपर आबादी है जी। जी दोनों मिला के, और ये कौन जी कौन दोनों से मिला उत्तर के प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आप लोग निवास करते हैं? हम लोग कानपुर, इटावा, मैं फिरोजाबाद से आता हूँ, आगरा, मथुरा, आपका गाजियाबाद, नोएडा और कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये कासगंज, बरेली, एटा, इटावा, ये सारे जिले हैं 32। मैं ये जानना चाहता हूँ इसी के साथ एक क्वेश्चन, जो आप लोगों की आबादी सघन कहीं पे है या हमेशा विरल आबादी पाई जाती है जिस कारण से आप लोगों को राजनीतिक या सामाजिक अवहेलना का सामना करना पड़ता है? बहुत सी जगह सघन सघन पाई जाती है, बहुत सी जगह विडल है। जैसे आप नोएडा में जी जाएंगे तो वहाँ बिखरी हुई है, आप गाजियाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे सघन है, वहाँ मिथिला प्रॉपर मिथिला के भी रहते हैं और प्रवासी भी रहते हैं, वो लोग आपस में मिलके रहते हैं। आगरा में भी इकट्ठी है, फिरोजाबाद में भी इकट्ठी, मेरे अकेले फिरोजाबाद में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख वोटर हैं, और फिर भी एक समाज की लाख राजनीतिक स्थिति यह है कि कोई राजनेता नहीं है, और जो हैं वो छोटे छोटे पदों पे हैं, उनकी कोई अच्छा कोई वजूद ही नहीं है एक तरह से। तो एक चुनौती आप लोगों को, जैसे मुझको जानकारी मिली हुई है कि जो स्थानीय जो वहां के ब्राह्मण हैं वो शुरू से भी, और आप लोग जो जैसे मिथिला क्षेत्र से वहां जाके बसे, आपके दादा आपके पुरखा, तो इन इनमें भी थोड़ा सा आप लोगों को उनका आक्रोश का सामना करना पड़ा जो उनके रोजगार नहीं या नहीं इससे मैं संबंध। उसका भी बताता हूँ। जब हम लोग को पूर्वजों से पता चला कि जब तुगलक टाइम पे या गयासुद्दीन के टाइम पे हमारे पूर्वज इधर आए हैं, तो यहाँ पे पांडित कर्म करते थे मिथिला में, टाइटल उनका दूसरा था, झा, मिश्र, पाठक, चौधरी। लेकिन जब वो यहाँ आए तो यहाँ पे लोकल ब्राह्मण ने उनको सहारा नहीं दिया बिल्कुल, बल्कि इस डर से कि उनकी रोजी रोटी ना चला जाए, उनका यजमान ना चला जाए, इस डर से इनको धुतकारा और इनके बारे में गलत फहमियां फैलाई। जबकि इन्होंने थोड़ा बहुत अगर लकड़ी के काम का सहारा, लोहे के काम का सहारा लिया तो इनको तरह तरह के नामों से पुकारा जाने लगा, और आज भी वही स्थिति है। ये अन्य समाज में बहुत गलत प्रचार प्रसार करते हैं मैथिल ब्राह्मणों का, जबकि तो ये विवेक जी, एक कौन सी परिस्थितियां आई जिसके अंतर्गत आप मैथिल ब्राह्मण अपने कर्म कांड या पूजा पाठ या आध्यात्म से संबंधित बातों को छोड़कर आप लोगों को लकड़ी के काम करने के लिए मजबूर किया है? क्या क्या समस्याएं क्या हुई? ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी लोग लकड़ी का काम करते हैं, बहुत से लोग मैथिल ब्राह्मण प्रवासी जो हैं वो पांडित कर्म भी करते हैं, लेकिन जो लकड़ी का या दूसरा अन्य कोई काम करना पड़ा, वो जब किसी का विस्थापन, किसी समाज का या पलायन होता है तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, और एजुकेशन, और जब उसके पास धन नहीं रहेगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगी, और जब एजुकेशन नहीं आएगी तो वो अपने अधिकार नहीं उठा पाएगा, वो दबा कुचला समाज बन जाएगा। कोई भी ले लीजिए, आज कश्मीरी ब्राह्मणों का आप उदाहरण ले सकते हैं। जी विवेक जी, क्या कारण है कि सिर्फ लकड़ी के कारोबार में ही वहां के मैथिल ब्राह्मण संलग्न हुए, कोई अन्य रोजगार में नहीं संलग्न हुए? कुछ तो कारण नहीं, रहा ऐसा होगा। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सारे लोग, अभी मैंने जैसा बताया कि सभी लोग लकड़ी का रोजगार करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई एक्सपोर्ट का काम करता है। लेकिन जब वो विषम परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ जंगल हुआ करता था, 1382 या 1381 के टाइम की बात है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मथुरा आगरा में जंगल हुआ करता था, तो जीविकोपार्जन के लिए वो लकड़ी काट के बेचना
सुगम रास्ता उनको लगा और वो वैसा करने लगे। यहाँ का मूल विश्वकर्मा समुदाय जो बड़ा ही लोहार होता है, तो उनसे तुलना होने लगी लकड़ी के चक्कर में। चूंकि वहां की बना आच्छादित जो भूमि था वो वहां पे ज्यादा था, इसके लिए जी आप लोगों में से कुछ को लगा कि जो नहीं इसे इस रोजगार में आया जाए, तो उनको जी उनकी तुलना एक विवाद हुआ था आप लोगों के बीच और जो बहुत एक सारे। एक 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 दूसरा एक भय हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक का, कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि हम मिथिला के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और वो हमारा गला और जनेऊ काट के ना फेंक दें। तो जंगलों में एग्जैक्ट रहना एकदम सही। सीखा जी तो हाँ जंगलों में ये रहना तो सीखा और आज भी जहां जहां बाकी मैथिल ब्राह्मण गांव में निवास करता है, तो उनका जो घर आपको मिलेगा तो गांव से बाहर मिलेगा, गांव के अच्छा। अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि कब क्या पता किधर से गयासुद्दीन तुगलक के लोग आ जाएं और हमको भागना पड़े। जी विवेक जी आपको कब पता चला कि जो आप मैथिल ब्राह्मण हैं? क्या मुझे मिथिला की मुझे चर्चा मुझे हाँ क्या मैं मिथिला बताता की हूँ, चर्चा आप लोगों के समाज में होता रहता है मेरे या मेरे आपको? समाज में भी मेरे मेरे समाज में भी मिथिला का चर्चा होता है। जबकि उसके ऊपर मेरे परिवार में भी मिथिला का चर्चा होता है। जब मेरी उम्र लगभग 15 साल की रही होगी, 14 से 15 साल की, उस समय हम लोग शर्मा टाइटल यूज करते थे और शायद वही चीज लोग दूसरे नजर से देखते थे। तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम लोग का ऋषि गोत्र क्या है। तो बच्चे होते हैं, बच्चों को थोड़े ना पता होता कि ऋषि गोत्र क्या है और क्या नहीं है। तो दादाजी बोले काश्यप ऋषि गोत्र है, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। फिर मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो मैं मिथिला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, मैथिल ब्राह्मणों के बारे में पढ़ता रहा। फिर मेरी भेंट लगभग 20 या 21 वर्ष का होगा तो विष्णु मोहन मिश्र पंजीकार हैं, उनसे हुई। उनके सानिध्य में मैं बहुत खोज भी किया अपने बारे में। फिर उन्होंने अपने बेटे राजू मिश्र जी का नंबर दिया, वो भी पंजीकार हैं अपने सौराठ सौराठ सभा में, शायद सीतामढ़ी के हैं। तो उन्होंने मेरा सब कुछ निकाल के दिया, डेटा विद पूर्वजों का, और मुझे पंजीबद्ध किया जी। तो आपका गांव का पता कहाँ चला, जो मिथिला के आप किस गांव से हैं वो ये पता चला उमरी क्या? गांव, उमरी गांव रहिका प्रखंड के उमरी गांव, जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। शायद उमरी जो है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मधेपुर या कहीं प्रखंड में है उमरी गांव। तो नहीं, मुझे मैंने ही रहिका शायद आपको प्रखंड बताया बताया था था। उन्होंने। जी अच्छा, रेखा प्रखंड बतलाया गया था आपको। तो कोई जी बात नहीं। तो ये जो है मिथिला के प्रति जो ये संवेदना है आपके हृदय में, सिर्फ जी आप ही के हृदय में है कि आपसे पीछे वाले पूर्व पीढ़ी में पिता? मेरे जैसे हजारों नौजवानों को हृदय में मिथिला के प्रति आस्था है। अपनी मातृभूमि को हम नमन करते हैं और उसके लिए यहाँ काम भी करते हैं। और ये प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से, कहीं ना कहीं हमारे समाज सेवियों से मिली है। आप मैं चूंकि मैं अगला प्रश्न पूछूं, इससे पहले मैं ये दर्शक लोग हैं अपने लोगों के बता दीजिए, हम उसके संग थे तखन एक प्रवासी मैथिल विवेक शर्मा जी, चूंकि तई समय में मिथिला से हिनकर पूर्वज चल गेल रहथिन प्रवास पर, जे समय में हमरा लगे ये 13वीं 14वीं शताब्दी होइ छै, ई विद्यापति के कालखंड होइ छै, जे समय में मैथिली भाषा के पुराण स्वरूप रहे मिथिला में, मिथिलो में जकरा मान लिया हम सब अवहट्ट कहै छियै, तो ओहि समय में हिनकर सबके पूर्वज चल गेल छथिन, तो अखनका मैथिली जे छै से ओहि समय के मैथिली के जे संजोए के रखनाइ सेहो एक दुर्लभ बात छै। ना विवेक जी से जहन हमरा बात होइत रहे तो ओहिमे से बहुत किछु हमरा सुगंध जे छै से हिनकर भाषा में अवहट्ट वाला सेहो आयल, तो तैं हमर सबके व्यवस्था ये हमर सबके समदिया.com के एकमात्र उद्देश्य छै जे मैथिली के लेल काज कयल जाय आ मैथिल के लेल काज कयल जाय, तो जैं कि हमर विवेक जी मैथिल छथि तो हम सब कनेक भाषा के जे छै से मर्यादा के जे हमर सबके मर्यादा बनेने छियै के तोड़लहुँ हैं, ताहिके लेल क्षमा प्रार्थी छी हम समस्त समदिया.com परिवार, हिनका से हमरा सबके व्यवस्थावश हिंदी में बात करय पड़ि रहल यऽ। तऽ विवेक जी अगला प्रश्न पर चलै छी, जे अहाँ सबक संस्था की ओतौ बनेने छियै जे एक दोसर के मिथिला के आबद्ध कऽ सके, जेना अहाँ अपने कहलियै कि जे ब्रजस्थ मैथिल आ प्रवासी मैथिल के बीच सेहो विभेद छै,
जी, तो इसकी संस्थाएं भी चल रही है ना, ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण, अपनी ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण परिषद चलाते हैं हम लोग। मतलब आप कह सकते हैं जिले में दो दो तीन तीन सभाएं चलती हैं मैथिल ब्राह्मणों की, और उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, इसलिए मैंने अपना खुद का एक संगठन खड़ा किया है, मैथिल ब्राह्मण युवा परिषद, जो सिर्फ युवाओं के हाँ, हित की बात करेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर पीछे रह जाता है तो युवा युवा की बात कहीं नहीं हो पाती है। और इसके अतिरिक्त जैसे मैथिल प्रवासी मैथिल ब्राह्मण और ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण के बीच जो आप विवाद मतभेद बोले, तो उसको सुलझा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो भी मैथिल ही हैं, आप भी मैथिल हैं, मैं भी मैथिल हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर एकता ना बनाया जाए तब तो आपके अधिकारों का अतिक्रमण होता रहेगा। विवेक जी, इसके लिए कुछ पहल होता है कि नहीं? विवेक जी, आपका आपका कनेक्टिविटी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आप वो प्रश्न दोबारा पूछिए। हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये जो बोले हैं कि ब्रजस्थ मैथिल, प्रवासी मैथिल और हम सब जो मैथिल हैं, एक आप चूंकि आप हम लोगों से मिलने जुलने का अर्थ ये है कि जो एकता बनी रहे आप लोगों की, तो वहाँ जो मैथिल हैं, जो ब्रजस्थ मैथिल स्वयं को बोलते हैं, उन उनके बीच और आप लोगों के बीच जो एक सेतु बने, एकता बने, उसके लिए क्या काम सब हो रहा है, इसके लिए उसके लिए क्या हम पहल हो रहा काम है? उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं कि हम लोग ने ये जो एक तो मेरा संगठन बनाया गया है, यहाँ ब्रजस्थ मैथिल और प्रवासी मैथिल दोनों का स्वागत रहेगा। दूसरा जो अन्य संगठन एक बना हुआ है, वो आपस में सामंजस्य बिठा रहे हैं कि हम लोग एक ही मंच और एक ही बैनर तले आ जाएं। जी बिल्कुल, तो इसके लिए कुछ काम धरातल पर भी हो रहा है जोड़ने के जी लिए। धरातल धरातल पर समाज सेवी लगे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकल के सामने भी आ रहा है। शिक्षा का प्रसार कैसा है आप लोगों के बीच? शिक्षा पहले तो नहीं थी समाज के अंदर, लेकिन अभी पिछले 10-15 सालों से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, क्योंकि जो समाज है पहले ज्यादा आर्थिक मजबूत नहीं था, अब वो धीमे 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 बाहर निकल रहा है, कोई दिल्ली है, कोई नोएडा है, कोई गुड़गांव आया है, तो वो पैसे का स्रोत जैसे आ रहा है, तो वो शिक्षा अपने बच्चों को बेहतर दे पाता तो ये मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों के समाज से कोई जैसे बड़े पदों पर आईएएस हुए या डॉक्टर, है। जी इंजीनियर, इसकी आप अवस्था कैसी डॉक्टर, है? कुछ डॉक्टर्स हैं, ज्यादा नहीं होंगे, दो चार पांच डॉक्टर्स होंगे, और कोई आईएएस आईपीएस तो नहीं है प्रवासी मैथिलों में भी। हाँ ऐसा ही, और ऐसा जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है वो काफी मिलेंगे आपको, प्रोफेसर मिल जाएंगे, चार पांच नहीं 10-20 प्रोफेसर मिल जाएंगे आपको अच्छे। हाँ, अब की जो आर्थिक स्थिति है आप लोगों की, वो कैसी है आपकी एक वर्तमान हम में, लोग ना समग्र में बोलिएगा। हाँ। जी, कुछ मध्यम वर्गीय स्थिति है और बाकी की अभी लो कैटेगरी में ही है, ज्यादा अच्छी स्थिति किसी की नहीं है। और ये जो कृषि कार्य भी करते होंगे आप लोग, तो हाँ ये कृषि खेती होती बाड़ी है, की क्या? कृषि भी है, कुछ कुछ लोगों की स्थिति काफी अच्छी मजबूत है, कुछ लोगों की। अच्छा, हाँ, जी क्योंकि मैं प्रश्न पूछने के लिए ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न कि जो जहां तक मेरी जानकारी हुई, जब से मुझको पता चला कि जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी मैथिल ब्राह्मण हैं जो 700 साल पहले गए हुए थे, तो आप लोगों के बारे में मैंने जानकारी इकट्ठे करने का प्रयास किया। इस क्रम में मैंने पाया कि कुछ जो मैथिल ब्राह्मण हैं वो ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लिए। जी इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ओबीसी का सर्टिफिकेट ये हम लोग को इसलिए सरकार देती है क्योंकि यहाँ आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, ना राजनीतिक स्थिति से मजबूत है, जबकि मैंने स्वयं एक ओबीसी कमीशन में, पिछड़ा वर्ग आयोग में, एक क्या बोलते हैं आरटीआई लगाया था, वहां मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि झा मिश्री पाठक लगाए हुए या ओझा लगाए हुए लोगों को आप लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों देते हैं। तो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे घर पे रखा हुआ है ओबीसी का जवाब, ओबीसी कमीशन का, वो स्पष्ट क्या रूप से जवाब बोलते दे? हैं कि हाँ, वो स्पष्ट रूप से ओबीसी कमीशन बोलता है कि झा मिश्र ओझा ओबीसी कमीशन के अंतर्गत नहीं आता है, ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता है, और ना हम उसको प्रमाण पत्र के रूप में देते हैं।
लेकिन क्या कुछ लोग कौन क्या क्या बोले झा झा। उझा और मिश्र, झा उझा अच्छा मिश्र, हाँ हम लोग इसका ओबीसी में प्रमाण पत्र नहीं देते हैं और ना ये हमारे अंतर्गत आता है। उपपद शब्दों में अच्छा उनका लिखा हुआ है जो मेरे पास रखा है, विवेक लेकिन जी आपसे जो विडंबना, बात लेकिन पूरा पूरा लेकिन विडंबना यह है कि कुछ लोगों की मानसिकता वो लकड़ी का काम करने के कारण वैसी ही रही है। तो शुरुआत से उनको जब उसका ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलता रहा है तो वो लेने में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो आरक्षण का लाभ भी ले लेते हैं। दोनों भाषा में कहा जाए तो आरक्षण का लाभ भी लेते हैं, ऊपर से पंडित जी भी कहलवाते हैं। दोनों काम एक साथ करते जी हैं। विवेक जी मैथिल ब्राह्मणों में प्राय प्राय जो है ये जो आस्पद जो है टाइटल जो है वो जी झा मिश्र पाठक चौधरी यहाँ पाया जो जाता जी, है, लेकिन आपका टाइटल विवेक शर्मा है। शर्मा है हम जी लोगों की यहाँ पूरा मूल मिथिला में शर्मा प्राय जो है ना वो बढ़े का जो काम करते हैं उनके लिए ये टाइटल है। जी तो आपने शर्मा टाइटल क्यों लगा लिया? शर्मा टाइटल लगाने का एक मजबूरी था, जो कुछ समय पहले आपसे फोन पर भी बात हुआ था, मैंने बताया था कि यहाँ का जो लोकल ब्राह्मण है वो शर्मा लगाता है। हाँ और हम लोग ने घुलने मिलने के लिए या यजमानी बनाने के लिए या फिर पांडित कर्म करने के लिए वो शर्मा टाइटल लगाने लगे। ठीक। और आज भी मेरी तो ननिहाल ननिहाल का टाइटल ओझा है और मेरा टाइटल झा है। वैसे ननिहाल का गोत्र आपका क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, एक सेकंड मेरे को याद करने दीजिए, कौशिक है और मेरा गोत्र कौशिक। काश्यप है। जी ठीक। तो चूंकि घुलने मिलने के क्रम में आप लोगों को मेरी मेरी दादी का अपने गोत्र शांडिल्य है। पहचान बदलना पड़ा विवेक जी, जी तो प्रश्न जी ये उठता है कि लेकिन उस जो पहचान को वहां बदलने का कोई थोड़ा बहुत असर दिखा, ज्यादा असर नहीं दिखा, अच्छा क्योंकि तो एक प्रश्न हम लोग यहाँ ब्राह्मण से पहले अपने आप को मैथिल ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक। तो विवेक जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो शादियां होती हैं वो सिर्फ मैथिल ब्राह्मण में ही होती है या मैथिल ब्राह्मणेतर जो जातियां हैं यूपी में जातियां नहीं ये गैर मैथिल ब्राह्मण जो है उनमें भी होती आपका आवाज फिर चला गया पंडित जी, आवाज है? ऐसा है कि मेरा प्रश्न ये है विवेक जी कि आप लोग नहीं जो आ रहा है, शादी अभी भी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। हेलो सनी भाई आवाज के कने देख रहे हो मैं चेक करता हूँ। सनी हेलो, भाई हेलो नहीं आ रहा है, सनी भाई आवाज चला गया आपका, हेलो सनी भाई क्या करेंगे अभी? एक हमार आवाज आ रही सनी भाई आके सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सनी भाई कड़ी काल स्क्रीन पर प्रकट हो सके जी हेलो आवाज जा रही है हमार नहीं आ रहा है। सनी भाई हम मुड़ी हिला के देखियो तो आवाज आई है हमार आवाज आ रही है आगे विवेक आवाज जी नहीं आप आ अभी, एक बार फिर से करेंट आवाज आ रहा है आ आगे आ रहा है रहा क्षमा प्रार्थी छी दर्शक लोकनि क्योंकि मैथिल के मैथिल से जोड़नाई अतेक आसानो काज नहीं छे तो तकनीकियो जे छे ने से कतो ने कतो प्रभाव देखा रहल छे जेनाते हमर से विवेक जी जुड़े छे तेनाते हम सब फिर बातचीत के क्रम के जारी राखब। अखन हमरा सब के संग जुड़ल छे ओ विवेक शर्मा छे ओ मूलतः विवेक झा भेल करे छले लेकिन जी, आ ओतका गया मैं। सामाजिक दबाव में आबि कर ई झा सा शर्मा भ गेला जे कि स्पष्टीकरण देला फिर से जुड़ गेल छथि विवेक शर्मा जी बहुत बहुत पुनः स्वागत अछि। विवेक जी
असल में समस्या की छे ने जे मैथिल के जे स्वभाव छे ने एक मैथिल से दोसर मैथिल जोड़ के ते में वो कखनो काल का विखंडन होई छे से अतो होई छे मूल मिथिला में सेहो होई छे त कोनो बात नहीं छे ओ ते अहां प्योर मैथिल छी हमरा बुझ में आबि रहल छे। हमर क्वेश्चन ई छले विवेक जी, विवेक जी क्वेश्चन ई छले जे अहां सबक जे विवाह दान होई छे ओ मैथिले ब्राह्मण में होई है कि गैर मैथिल ब्राह्मण में सेहो विवाह दान होबे लगलै है? सिर्फ सिर्फ मैथिल ब्राह्मण में ही शादी संबंध होते हैं, अन्य अन्य ब्राह्मणों में शादी संबंध नहीं करते हैं। विवेक जी हम लोगों के यहाँ जो मूल मिथिला का जो रीति रिवाज है वो कितना अक्षुण्ण है आप लोगों के पास? वो तो शायद कुछ बचा नहीं हमारे पास। आप लोगों को चौरचन होता है? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारा जो रीति रिवाज है दुल्हा रुकता है और वहाँ उसका बारात को रोका जाता है 15-15 दिन 20-20 दिन, तो वैसा माहौल या वैसी संस्कृति हम लोग सब बिसर गए हैं। सब बिसर गए हैं। मेरा ये मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग आपके पास? जी 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 एक पर्व होता है यहाँ पे चौरचंद, जो गणेश चतुर्थी, जहाँ यहाँ गणेश चतुर्थी बोलते हैं। हाँ तो उसमें हम लोगों के यहाँ होता क्या है कि अल्पना सजाया जाता है, फिर पूरे दिन उसमें पिरिकिया बनता है, पूरी बनता है, और उसको फल के साथ चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। ऐसा कोई पर्व आप लोगों के यहाँ अभी होता है या नहीं? नहीं होता, अभी हम लोग ने छठ पर्व मनाना स्टार्ट किया था। हमारे एक बरौनी बेगूसराय के, सॉरी बेगूसराय के मुन्ना मिश्रा जी रहते हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने एक तालाब की सफाई वफाई करवाई आगरा जिले में, और छठ पर्व मनाना स्टार्ट किया है, एक अच्छी शुरुआत की हम लोगों ने, और धीमे धीमे मिथिला की संस्कृति मिथिला के त्योहारों को यहाँ मनाया जाएगा। गौरी पूजन है, गौरी पूजन हम लोग करते हैं। मुझे मुझे क्या लगता है विवेक जी कि चूंकि जब चौरचंद जब शुरू होने होने को था तब आप लोग मूल मिथिला से प्रवास करके चले गए थे, संभव है इस कारण से भी आप लोग चौरचंद को वहां तक नहीं ले पाए, फिरोजाबाद तक नहीं जी पहुंच जी पाए पहुंचा पाए। वैसे जिनका घर अभी मिथिला क्षेत्र में पड़ता है वो लोग भी रहते हैं, वो लोग मनाते होंगे वो अलग बात है, लेकिन आप लोग शायद चौरचन को वहां तक नहीं ले पाए। अब शादी ब्याह कैसे कैसे होता है आप लोगों में, किस तरह से होता है, उसका कुछ विधि व्यवहार रीति रिवाज अगर आप हम लोगों को बतलाना चाहें तो? मतलब किस तरह से पहले यहाँ रिश्ता पक्का करते हैं, फिर लगन करते हैं, लगन करने के बाद दूल्हा बारात लेके जाता है, बारात लेने का एक दिन में वो सभी मंडप वगैरह भंवर वावर जो पड़ती हैं 7 फेरे, उसके बाद वो सुबह विदा करा के घर पे लेके आता है, फिर घर पे पूजा होती है। दो दो दिन या 3 दिन वो दुल्हन नहीं मिलती है दूल्हे से जब तक वो घर में पूजा नहीं हो जाती, उसके बाद फिर वो मिल सकती है। अच्छा या यहाँ जो मूल मिथिले मिथिला की जो शादी है उसमें लड़की पक्ष वाले लड़का वर पक्ष के पास जाते हैं अपनी कन्या के लिए कथा लेके, क्या आप लोगों में भी होती जी है जी ऐसा इस ही है, तरह से? ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ हाँ जाता है रिश्ता लेके। मैं आप लोगों को समझना चाह रहा हूँ और मूल मिथिला को आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब दूसरे दूसरे स्टेप की बात करते हैं, जब शादी हो जाती है तो आप जिस पंजी की बात कर रहे हैं वहां पे सिद्धांत लिखाया जाता है वर पक्ष और दुल्हन पक्ष का भी, जी तो क्या आप लोगों में भी ये सिद्धांत की परंपरा बचा हुआ है? मेरे हिसाब से यहाँ जो प्रवासी मैथिल ब्राह्मण या ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण हैं वो लगभग 10-15% पंजीबद्ध हैं, बाकी के लोगों को पंजी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अच्छा जयकारा लगाते हैं, जय मिथिला जय मैथिल, उन अच्छा लोगों का अच्छी बात प्रयास है किया ये जा भी। रहा है पंजी से जोड़ने का। हाँ ये भी अच्छी बात है। और मैं एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, आपसे क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको यहाँ की भी रीत की रीत रिवाज की पता चले और आपके यहाँ जो होता है उसकी जानकारी भी हम लोगों को हो। अब अगर सिद्धांत हो गया तो शादी का दिन फिक्स होता है, ठीक है, और उससे पहले एक रोज खान पान होता है जिसमें कन्या पक्ष आते हैं और उनको भोजन करवाया जी जाता है होता है, यहाँ पे होता है, जब जब वो वो रिश्ता भी। पक्का करते हैं उस समय भोजन करवाते हैं हम लोग।
लड़के को पक्का ठीक करने आते हैं, वर पक्ष को उस समय भोजन हम करवाया जाता है। अगले स्टेप पर चलते हैं। शादी की पूरी परंपरा पर हम लोग बात करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं। अब जब शादी का दिन ठीक हो गया, ठीक है, जब शादी के दिन तय हो गई, उसके बाद क्या होता है, यहाँ यहाँ पर क्या होता है कि जिस दिन शादी होगा उस दिन कन्या पक्ष से 4 आदमी, 5 आदमी, 11 आदमी या 2 आदमी वर को लेने के लिए आएंगे, तब बारात यहाँ से निकलेगा। क्या आप लोगों में भी होती है इस तरह से? नहीं, ये प्रथा नहीं होती। आप लोग अपने मन से चले जाते हैं लड़की के यहाँ बारात लेके? नहीं, मन से नहीं, वो बोला जाता है कि आज इस तारीख को विवाह का मुहूर्त है और आप लोग बारात लेकर आइए। मैं समझाना चाहता हूँ ये आपको कि यहाँ जो होता है, तो कन्या पक्ष शादी के रोज आते हैं सुबह में 10 बजे, 11 बजे, जिनको 12 बजे, जिनको जो जो सुविधा होती है, जितनी दूरी होती है इसके अनुसार से। उसके बाद लड़का को विधिवत हाथ उठाया जाता है और उसके बाद बारात चलती है लड़की के यहाँ। ठीक, अब लड़की के यहाँ ऐसा पहुंच गए नहीं बारात, होता। बाराती, हाँ बाराती पहुंच गए वहां तक, ठीक है, शादी हो गई। ठीक, आप क्या करते हैं, दुल्हन को ले आते हैं जी, जबकि मिथिला यहाँ पे में वो। दूल्हे को रोक लिया जाता है। हाँ हाँ दूल्हे को रोक लिया जाता है, और जो 4 दिन की परंपरा आप अल्पना रंजन जी ने कुछ कमेंट किया है, तो मैं उनको जब बताना चाहता हूँ। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि बहन जी, मेरा टाइटल बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। जो मेरे पूर्वजों का टाइटल झा था, वह दोबारा से हो जाएगा। आपकी जो कहना है वो मैं मान लेता हूँ, और वो मैं बहुत पहले प्रधान जी से मैं बोल चुका हूँ। इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। आप मुझको बतलाए थे कि मैं शर्मा से पुनः झा अपना टाइटल कर लूंगा। ये अपनी पहचान जो है ना, उसको पहले सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। ठीक जी है, तो विवेक जी, ये जो आज चर्चा परिचर्चा हो रही है, इसका उद्देश्य समाधिया.com का ये नहीं है कि मैं जाति बात करूं या संप्रदाय बात करूं। नहीं, मैं किसी वो एक हम लोगों किसी के कि हाँ तो प्रिय मित्र लोकन, एक बात बतावे चली, जे हमार सुखी उद्देश्य जाति बात पसारब नहीं है, लेकिन मैथिल ब्राह्मण के जे किछ अक्षुण्ण परंपरा रहलै है, संस्कृति रहलै है, मात्रे ओकर उजागर करब काज छी। ई जातिवाद वाला बात एमे कोनो एंगल नहीं राखल जाए। समदिया.com जातिवाद के खंडन करै है, लेकिन अपन अपन जाति पर सबके स्वाभिमान करे के अधिकार छै, संगे संगे इहो मानै है। तो अपने लोगन देख रहल छी अखन बचपन समदिया.com, मात्र मीडिया ने अहाँक भरोस। हाँ कहियो विवेक जी, कहियो बचपन से विवेक हम जी, लोग एक एक लोकोक्ति सुनते थे बचपन से। पग हाँ बोलिए। पग 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 पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुस्कान। ठीक मुस्कित है, मुख पान, ठीक। हाँ, मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सहस नगर मिथिला ठीक, हम हाँ वही विवेक जी, मिथिलाक वासी ठीक। हाँ ठीक। बस इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता। विवेक जी देखिए, विडम्बना क्या है, जो बोले हैं ना, पग पग पोखर माछ मकान, मधुर बोल मुस्कित मुख पान, उसका हिंदी भी ये आता हाँ है, मुझे उसका हिंदी भी आता है, नहीं मैं हिंदी नहीं बतला रहा हूं आपको, मैं और उसके इसके बारे लिखने में भी बा मुझे पता है, वो हाँ पता है बोलिए, मुझे। मिथिला के हाँ अंदर बोलिए, थोड़ा थोड़ा टाइम पर जो पोखर है ना, तालाब मिलेगी आपको, और उसमें हाँ मछली मिलेगी। मछली का बहुत हाँ बड़ा महात्म्य होता है मिथिला के अंदर, और बहुत पवित्र मानी जाती है। मैं और ये दूसरी चीज बतलाना, मिथिला के, हाँ विवेक जी, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जैसे आप अप्रवासी मैथिल हैं, ब्रज जी क्षेत्र में जाके बस गए हैं, ये लिखने वाले अप्रवासी भोजपुरी भाषी हैं मूल रूप से, लेकिन ये मिथिला में आके बस गए हैं। तो देखिए आप उनकी रचना को आप बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। विवेक जी, संस्कार रीति रिवाज से इतर, मैं फिर आप लोगों की मूल समस्या पर ही आता हूँ। आप लोगों की ठीक जो है, मूल समस्या है, जो चुनौतियां हैं, उसके लिए आप लोग क्या कोई राजनीतिक संगठन भी बनाना चाहते हैं?
बिल्कुल हम बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें प्रशांत जी, कुछ लोग प्रयास करते हैं तो कुछ लोग उनकी कमर तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। आप लोगों के जो अपेक्षा है, सहयोग है, वो मूल मिथिलावासी से क्या है, कैसी अपेक्षा करते हैं आप लोग? हम लोग एक अपेक्षा करते हैं कि मूल मिथिलावासी हमें एक सहोदर भाई की तरह अपनाएं और हमें जितना हो सके उतना मदद करने का प्रयास करें। जैसे अभी अल्पना हमारे जी, अनुज कुमार झा जी, डीएम रहे थे, उन्होंने काफी मदद की थी और वो मानते भी थे। बिल्कुल अल्पना रंजन जी के प्रश्न चले रहे विवेक जी, जो कि विवेक शर्मा जी के हो, मैं मिथिला आयल छथि, मूल मिथिला। क्या विवेक शर्मा जी कभी मिथिला मिथिला आए हैं? अल्पना मिथिला रंजन जी का सवाल। अभी नहीं आया, लेकिन मेरे एक समाज सेवी है रत्नेश्वर झा जी, वो उन्होंने मुझे न्योता दिया है और मैं जल्द मिथिला आऊंगा और मैं अकेला नहीं आऊंगा, लगभग 20 से 25 लोगों की टीम के साथ आऊंगा। स्वागत है विवेक जी। हाँ, तो ये पूछ मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह के सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं मूल मिथिलावासी से? हम लोगों को एक राजनीतिक मजबूती चाहिए। अगर मेरे मिथिला के भाई, जो मेरे सगुर भाई हैं, वो अगर हमें मदद करना चाहें तो एक राजनीतिक रूप से हमें मदद करें। जब अगर हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम सरकारी सहायता भी ले पाएंगे, और जब सरकारी सहायता ले पाएंगे तो अच्छी एजुकेशन भी ले पाएंगे, और जब एजुकेशन विवेक, होगी तो हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर भी ठीक, बनेंगे। बहुत सुंदर बात। विवेक जी जी, विवेक जी, आवाज आ रही है अहाँके? हमारा आवाज आ रही है ना? आ रहे हैं। अहाँ सब जे संस्कृति बिसरि गेलिए, भाषा के तो बातें हटा जी दियो, कि ओहि जी संस्कृत संस्कृति से पुनः जुड़ा चाहे छिए, ओकरा आत्मसात फिर से करो चाहे हाँ, छिए, या हम दोबारा से जुड़ना चाहते हैं अपनी संस्कृति से। देखिए, भाषा के प्रति आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है? ये मैथिली भाषा जो है, इस पे भाषा के प्रति हमारा इतना लगाव है कि मैं स्वयं भाषा सीख रहा हूँ, मैथिली भाषा। सीखने के क्रम में कोई कठिनाई भी होती है विवेक जी? कठिनाई इतना होती है कि हम लोग से बातचीत करने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ बुक्स पढ़ते रहो, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है वहां आप पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक सीखने लगते हैं धीमे धीमे, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई होती है आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं होता है, और जब बातचीत करने वाला नहीं होता है तो वो आपकी गलतियां नहीं बता पाएगा। ठीक विवेक जी, एक बात और छे, जे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के लिए कोई पुस्तक ऐसी हो जिसमें हिंदी टू मैथिली को सिखलाया जाए आप लोगों से को, तो क्या वो आप लोग ये सीखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए तो। जिसमें हिंदी से मैथिली सिखलाया जाए आप लोगों को? जी, समदिया डॉट कॉम देख रहा समस्त श्रोता लोग से निवेदन है, जे ऐ के योग्य छी हुनका से आह्वान करे छी जे एकटा मैथिली के हिंदी के माध्यम से कोना सीखल जाए, ते के लेल काज कैल जाए, एकटा छोट छिन स्पोकन कोर्सो अगर बना देल जाए, तो हमरा सबसे दूर जे मिथिला के मूल भूखंड से दूर जाकर जे लाखक संख्या में हमर सबके मैथिल भाई सहोदर जे छथि, हमर सबके एकटा समांग जे छथि ओतय बैसल छथि, हुनका सबके भाषा सीखे में सेहो सुविधा होन। विवेक शर्मा जी के ई बात जे हमरा मैथिली सीखे के ये, कतौ ने कतौ एकटा जे भाषा के नाम पर बोली बनायल जा रहल छै, मिथिला के तोड़बाक प्रयत्न कयल जाय छै, यत्न कयल जा रहल छै, ताहि पर एकटा कारगर थोपी सेहो अछि। थोपी केना अछि? तऽ एहिठमा अहाँ के बोली बदल गेला के बाद आदमी के होइ छै कि हम ओकरा भाषा बना देलियै। मूल बिहार के मिथिला में तो जैनिये के दूटा बोली के भाषा बनाबे पर वृत्त लोग सब चलते हैं विवेक जी, नेपाल में सेहो अहाँ के मैथिली के तोड़ के ओकरा मगही भाषा बनायल जा रहा है, एहना में ओहन लोग के जी, लेल विवेक मगधी जी बना अहाँ की दिया। कह चाहबन? मगही, मगही, ई मगधी ने बिहार वाला ने नेपाल में बनायल जा रहा है, ओहन लोग के लेल अहाँ की कह चाहबे विवेक जी, जे मगही, भाषा अपन मैथिली भाषा के तोड़ चाहे छे? हम लोग नेपाल वालों से या प्रवासियों से या फिर भी मिथिला वासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि कभी भी अपनी संस्कृति और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और एक जो हम लोग अपने आप को मैथिल बोलते हैं तो इसमें मिथिला भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। मैथिली भाषा से ही हम और अपने संस्कारों से, संस्कृति से अलग प्रदर्शित होते हैं,
और यही कारण है कि अन्य ब्राह्मण या अन्य लोग हमसे एक वैमनस्यता की व्यवहार करते हैं। विवेक जी, हमारे सबके जे श्रोता सब जे देख रहल छे, दर्शक सब, ओहि में से एकटा हमर सब छोट बहिन ये अथी आकांक्षा शिखा, ओकर कहब छे कि जे विवेक जी दू चारि लाइन मैथिली बाजत, अहाँके जतबे मैथिली बाजे बाजे के ये से दू चारि लाइन अहाँ बजियौ। तो मेरे को थोड़ा हिंदी में बताएंगे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जो हम लोगों को देख रहे हैं ना, उसमें से एक छोटी बहन है, वो चाहती है कि आप जो है सो मैथिली में दो चार पंक्ति बोलें। दो चार पंक्ति बोले अभी हाँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। किच्छो बाजि दियो, किच्छो, जेना हम गोरे लगे छी, जेना हम सब कुशल सा छी, हाँ नीक छी। गोर लगे थे, हमको आता है, हम बोले भी थे आपको एक बार, बोले भी थे हाँ की करवे की हाँ, करेब, पर नेक चलो विवेक लागल। जी, विवेक जी, हमर सबके समय समाप्त समाप्त भऽ जा रहल अछि, अहाँ समय देलियै हमरा सबके समदिया.com के, बहुत नीक लागल। जी। आशा है जे मिथिला के जे मूल मैथिल छथि आ जे अप्रवासी मैथिल छथि, दुनू में मैथिल के संबंध रहते, प्रगाढ़ बनल रहते। अंत में अगर अहाँ किछु मूल मिथिलावासी से कहऽ चाहिए तो कहि सकै छी एक आध लाइन में। देखो मैथिली गीत सुना दियो, अब पहले गीते सुना दियो, जय जय भैरव वहां गेने छी। हमको आता है, जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति कनिक तरन्नुम में गाबि के सुना दियो। भामिनी माया, आता है। गेल है तो बिल्कुल अहाँके दर्शक, दू धन्यवाद जी। हाँ पैंत गेल है तो अहाँके जी, दो पंक्ति गा सकते हैं आप क्या इस गाने को? आप गाए हाँ हैं? गाए हैं, लेकिन वो मैं भूल जाता हूँ, चक्कर में गाया हूँ, मैंने वीडियो भी अपलोड किया अपना। हाँ, अच्छा ठीक है। तो विवेक जी, आप क्या कीजिएगा, तो अपना जो गाए हैं गीत, उसका लिंक जो है इस जो वीडियो होगा उसके नीचे में आप लिखित कर दीजिएगा। और अंत में हम मिथिला वासियों से अगर कुछ कहना आप चाहें तो कहें, क्योंकि कार्यक्रम का समय अब मिथिला समाप्त वासियों से, होने। मेरे भाइयों से एक ही निवेदन रहेगा कि हम लोगों को आप राजनीतिक रूप से जितना मजबूत कर सकते हैं उतना आप करिए, और हमको आप कृतार्थ करेंगे ऐसा करके। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत आभार जी अपने समय दिए। मित्र लोकन, आप लोगों का भी अपने बहुत लोग बहुत धन्यवाद दूं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। मैं थोड़ा सा अपना गीत भी गाऊंगा, जय गाओ। जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियहु गुसाउनि, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवि असुर भयाउनि, बासर नैन सबासन सोहित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतौक दैत्य मारे मुख मेलले, कतौ उगले गले कूड़ा, जय जय भैरवि असुर भयाउनि, सामर बरन नयन अति सुंदर, सामर बरन नयन अति सुंदर, जगद जोग फुल को का, कट कट विकट ओठ पुठ पांडर, कट कट विकट ओठ पुठ पांडर, लिदुर पेन उठ पो का, जय जय भैरवि असुर भयाउनि, घनन घनन घुंघरू कत बाजे। अभी मैं थोड़ा स्टॉप कर दूंगा क्योंकि मैं भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, यहाँ गैबियों को सुना दिलिए। तो मित्र लोगों ने खाना अपने लोगों ने देख रहा चल, समदिया.com मीडिया ने अहाँ भरोस से हो, तो एक कार्यक्रम के संग हम उपस्थित छनु हैं। खुशी के बात ई जे बिछड़ल कोनो प्रीत जकाँ हमर सब एकटा सब समान लोगों छथि, को नमस्कार। जे 700 वर्ष पहले मिथिला, मूल मिथिला से
किछु गियासुद्दीन तुगलक के डर के कारण, किछु अकबर के ससम्मान बजेबा के कारण, मुदा ओतय जे अकुलाहट छै जे मूल मिथिला से जुड़ी तकरा मात्र हमसब जोड़बा के ब्योत में छलहुँ हैं। तो बहुत बहुत आभार अपने लोग के जे काल देख देलिए। तकनीकी रूप से हमारा सबके संग जे छलथि अक्षय आनंद सन्नी, एहि बीच में सेहो उदित भेल छलथि हैं, तो हुनको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय मिथिला, जय मैथिली। जय मैथिली।